क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आए जी। अब बनारस में आके आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर घूम के कैसा लग रहा है? कॉरिडोर घूम के बहुत अच्छा लग रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे विकास कार्य कराया है। योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य कराया है। मतलब पहले था, मेरे दोस्त बताते हैं कि पहले दर्शन करने की काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब कॉरिडोर बनने से सीधे स्नान कर सके, सीधे आप मंदिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लें सीधे, और वहाँ पर प्रांगण में घूम लें। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इससे पहले भी आप कभी बनारस आए थे क्या? नहीं नहीं, इससे पहले कभी बनारस नहीं। मोदी जी ने जो यहाँ पे विकास किया है कॉरिडोर का, जी हाँ, इसको देख के आपको कैसा अनुभूति हो रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में? प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, मतलब जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मुझे अब हिंदू होने में गर्व होता है। जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना विकास कार्य यहाँ पर करवाया जी। काशी अपने लिए बहुत पवित्र जगह है हिंदू धर्म के लिए, तो मुझे अब गर्व होता है कि गर्व होता है। हाँ, वो तो है। और ये बताइए कि आप मध्य प्रदेश से चल के बनारस में आए हैं जी, और अभी कहाँ कहाँ आपने घूमा? अभी हमने घूमा है हमारे मध्य प्रदेश में ही सतना के पास मैहर करके एक धाम है। नहीं नहीं, आप मध्य प्रदेश से आए, बनारस में आए हैं मध्य प्रदेश से चलकर, तो बनारस में आने के बाद और कहाँ कहाँ आपने विजिट किया? नहीं नहीं, अभी तो हमने सिर्फ पहला आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके अलावा आप काल भैरव अभी जाएंगे, काल भैरव जी हाँ, काल भैरव जाएंगे और विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, न्यू विश्वनाथ हाँ, वो भी काफी अद्भुत बनाया है जी, सुनने में आया है, सुनने में नहीं है भैया, वो अद्भुत है ही। आप जाएंगे तो देखेंगे, आपको लाभ हो जाएगा उस मंदिर से। अच्छा। क्योंकि आप काशी में हैं, महादेव की नगरी में, की और जो भी महादेव की नगरी में आता है उसे बनारस से जरूर प्यार हो जाता है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मध्य प्रदेश से चलकर आए और हमारे लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।